हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने ये सब सारी चीज़ें देखी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमने रेजिस्टेंस देखा क्या होता है, फिर रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फिर इनका उल्टा देखा, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। फिर हमने इसी फॉर्मूला को थोड़ा अलग तरीके से लिखा, एल अपॉन आर इंटू ए, मतलब वन बाई आर एल बाई ए। वन बाई एयर को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इनटू ये जो टर्म है एल बाई ए, इसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट। लेट मी टेल यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ब्रीफ क्या, वही है ये सर। सपोज़ करो ये एक सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, से इनके बीच का डिस्टेंस एल है, ठीक है, और ए इज़ द एरिया, दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया सेम है। तो एल इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ए इज़ द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, दोनों का सेम होता है। यही इन दोनों का रेशियो एल बाई ए इज़ कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट जो होता है, रेशियो ऑफ एल बाई ए मतलब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट इज़ कॉल्ड सेल कॉन्स्टेंट। ये सब हेल्प करता है पता करने में रेजिस्टेंस वगैरह, अननोन रेजिस्टेंस वगैरह, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। दो टर्म मैं और बताऊँगा। कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सब्सटेंस जो होता है कोई भी केमिकल वगैरह, जनरली आप मोल्स यूज़ करते हो, इक्विवेलेंट मास यूज़ करते हैं, तो कंडक्टिविटी को अब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में देखेंगे अब, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ये साइन लगाओगे उल्टा एंड ई क्यू, ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है, इस तरीके से। किसका मतलब, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का ही होगा ये सारे। अब यहाँ पे आपको देखना है ये होता क्या है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मीन्स इट हैज़ समथिंग टू डील विथ इक्विवेलेंट मास के बारे में। अब सपोज़ करो एक सॉल्वेंट है, इस पे आप मिक्स करो, मिक्स सम इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि NaCl है, मिक्स करो इसमें, उसका वन इक्विवेलेंट मास मिक्स करना है। कितना मिक्स करना है, मिक्स सम इलेक्ट्रोलाइट, सम मतलब वन इक्विवेलेंट मास मिक्स मिक्स करो, ठीक है, इसका। तो ये सॉल्यूशन है, इसका कुछ नॉन वॉल्यूम होगा, ठीक है, मान लो इसका वॉल्यूम है V, ठीक है, V वॉल्यूम, मान चूँकि इक्विवेलेंट कंडीशन के लिए लाएंगे, तो मान लो इक्विवेलेंट हम ले रहे हैं V इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट मास मैंने NaCl का लिया। इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपको पता होगा, नॉर्मेलिटी वगैरह में हमने डिस्कस किया। अब इसको मिक्स कीजिए, आप सॉल्यूशन तैयार कीजिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, आयोनाइज होगा, आयोनाइज होगा, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा कंडक्शन में। तो वन इक्विवेलेंट मास किसी भी सॉल्यूट का, सॉल्यूट हमारे केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को मैंने मिक्स किया, तो कितना मिक्स किया था, वन इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको जब मिक्स करेंगे तो ये वन इक्विवेलेंट मास टोटल आयंस में टूटेगा, तो उसके सारे आयंस को मिला के जो टोटल कंडक्टिविटी होगी एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, उसे ही बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चूँकि हम इक्विवेलेंट मास लिए हैं, तो उसके कारण जितने भी आयंस होंगे वो सब मिल के कंडक्शन करेंगे, ठीक है। तो एक इक्विवेलेंट मास के आयोनाइजेशन के बाद सारे आयंस मिल के जितना कंडक्टिविटी पावर शो करते हैं, उसे ही बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस पावर ऑफ, कंडक्टेंस पावर ऑफ ऑल द आयंस, ठीक है, ऑल द आयंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना भी वॉल्यूम, एक फिक्स अमाउंट लेते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि मान लो ये 5 लीटर लिया, इसमें NaCl का 1 इक्विवेलेंट मास मिक्स किया, तो 5 लीटर सॉल्यूशन तैयार होगा, उसमें NaCl का 1 इक्विवेलेंट मास जितना आयंस बनाएगा और वो सारे आयंस मिल के जितना कंडक्टिविटी शो करेंगे उसे ही बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको डिनोट किया जाता है, दिस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का डिवाइडेड बाई उसका इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, सी इक्विवेलेंट हम क्या बोलते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास, हमने बोला ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन सम वॉल्यूम, मान लो इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं उसे वॉल्यूम को, तो ये सी की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, जितना ग्राम इक्विवेलेंट है उतना डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, चूँकि हम वन कोई भी चीज़ 1 यूनिट के टर्म में हम डिफाइन करते हैं, तो इस कारण ऑलरेडी 1 लिखा है मैंने। अब इसको पुट करो यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है, 2 in 1, सी की जगह इसको पुट करो तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, के मतलब कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई 1 by V इक्विवेलेंट, दैट इज़ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है किसके बराबर होगा, के इंटू वी इक्विवेलेंट के, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमें पता है वी इक्विवेलेंट जो होता है, वॉल्यूम इक्विवेलेंट, ठीक है, वो कितना होता है कंसंट्रेशन के टर्म, अगर नॉर्मेलिटी निकालते हैं, हमने पढ़ा इक्विवेलेंट मास किसके टर्म में आता है, नॉर्मेलिटी में, नॉर्मेलिटी जो होता है दैट इज़ एन, ये क्या होता है, 1 लीटर में कितना, सॉरी, ठीक है, वी इक्विवेलेंट 1000 cm³ मान लो वॉल्यूम है, ठीक है, उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी वगैरह में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट करो, के इंटू वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 / n, अगर नॉर्मेलिटी में दिया हुआ है डेटा, तो के इंटू 1000 / n, n मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी। ये 2-3 तरीके हैं जिससे कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को, कंडक्टिविटी और सी इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो इसलिए इस तरीके से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज़ कर लो, नॉर्मेलिटी दिया हुआ तो ये फार्मूला यूज़ कर लो। उसी तरीके से दूसरा टर्म होता है मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर में क्या हो जाएगा, 1 मोल डिजॉल्व, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट मास था, यहाँ पे 1 मोल होगा, मोलर कंडक्टिविटी। तो बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस की, बस यहाँ पे इक्विवेलेंट मास की जगह 1 मोल डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ये सिंगल और एम से, ठीक है। तो पिछली बार हमने क्या किया था, कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम में 1 इक्विवेलेंट मास डिजॉल्व किया था हमने, तो जितना आयंस बनेगा वो मिल के जितना कंडक्टेंस करेंगे उसे बोलते थे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इस बार वही काम करेंगे, जब हम 1 मोल
इलेक्ट्रोलाइट का डिसॉल्व करेंगे तो जितना कंडक्टेंस सारे आयन्स मिलकर शो करेंगे दैट इज़ कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। इसको कैसे डिफाइन करोगे? मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस पावर ऑफ ऑल द आयन्स व्हेन वन मोल ऑफ एन ब्लड क्यों हो रहा है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड इन इन अ डेफिनेट मतलब कोई फिक्स वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। पिछली बार 5 लीटर में मैंने 1 इक्विवेलेंट मास डाला था तो जितनी कंडक्टिविटी शो होगी सारे आयन्स मिलके दैट इज़ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इस बार मैं 5 लीटर सॉल्यूशन में मान लो 1 मोल ऐड करता हूँ इलेक्ट्रोलाइट का तो सारे आयन्स बनेंगे आयन्स बन के जितना कंडक्टिविटी शो करेंगे उसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ये भी उसी तरीके से कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से होता है। फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1 मोल कुछ वॉल्यूम में हमने डिसॉल्व किया ठीक है, ये 1 है ये 2 है, 2 in 1 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इनटू मोलर वॉल्यूम ठीक है। और मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 1000 अगर डिवाइडेड बाय एम मोलारिटी, एम इज मोलारिटी। अब इसको इसमें पुट करो तो ये कितना हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इतना के मतलब कंडक्टेंस इनटू 1000 बाय एम ठीक है। तो ये 2-3 फॉर्मूला बनते हैं जैसे इक्विवेलेंट मास का बन रहा था वैसे ये बन रहा है ठीक है। अब रिलेशनशिप देखो इनके बीच में क्या होगा। रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, चलो जरा इन दोनों को लिखते हैं। क्या आया था? इक्विवेलेंट मास कंडक्टेंस इनटू 1000 बाय नॉर्मैलिटी। मोलर कंडक्टेंस कितना आया था? ऊपर ही है, कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। डिवाइड करो, रिलेशन निकालना है, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 1000 इंटू डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी और ये के मतलब कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एम ठीक है। के कैंसिल हो जाएगा, 1000 1000 भी कैंसिल हो जाएगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस कितना आ जाएगा? 1 बाई एन इंटू एम है, यही है ना, 1 बाई एन डिवाइडेड बाई 1 बाई एम तो कितना हो जाएगा? एम डिवाइडेड बाई एन ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब एम क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाई मोलर, ही मोलरिटी था ना, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ठीक है डिवाइडेड बाय मोलर मास। और नॉर्मेलिटी क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ठीक है। तो मास मास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? दिस इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जा जाओ, मोलर मास इनटू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही इनके बीच में रिलेशन है। अगर एक
दो चीज़ नोन है तो बाकी सब निकल जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मासेस इस तरीके से, तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट मास एंड मोलर मास, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इनटू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज ध्यान रखिएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। अभी थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट वाइल डूइंग सम क्वेश्चंस वी कैन ईजिली डू इट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी जो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है तो किस तरीके से वेरी करता है वो, ठीक है। तो हम देखेंगे अब वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइट का तो कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। पहले देखते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एग्जांपल जैसे कि KCl हुआ, HCl हुआ, NaCl हुआ, ठीक है, इनका कंडक्टिविटी होता है जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइएगा तो घटता है। आप सोचो चूँकि कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इनका कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ऐसा होता नहीं है, ये डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ाएगा तो इनका मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, होता क्या है, जब इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है, तो आयोनाइजेशन कम्प्लीटली होता है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है, एज द कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ता है आयोनाइजेशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस इंक्रीजेस आयोनाइजेशन डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन डिक्रीजेस, ठीक है, आयोनाइजेशन डिक्रीज होने लगता है, ये इसका रीज़न होता है, ठीक है। अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, जैसे सपोज KCl लिया हमने, ठीक है, KCl को प्लॉट किया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को, और ये उसका मोलर कंडक्टिविटी है, दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, सपोज़ करिए जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, मतलब क्या है, डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज़ लो, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज़ लो मीन्स डाइल्यूशन इज़ हाई, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मान लीजिए, डाइल्यूशन इज़ हाई, दैट इज़ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन, जितना कम हो सके इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा कब होगी, जब कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कब होगा, जब डाइल्यूशन हाई होगा, पानी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट कम होगा, ठीक है। तो मान लीजिए KCl जो होता है उसकी कंडक्टिविटी जो होती है जनरली इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन, जनरली 150 के आसपास होता है, कितना 150, जो भी इसका अपना यूनिट आएगा, ठीक है, यूनिट इसका क्या होता है, ओम माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस वन, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। आप देखोगे उस फॉर्मूला को तो करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो जब कंडक्ट ये हुआ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन एकदम जीरो है, तब लगभग जीरो है तो एकदम हाईएस्ट कंडक्टिविटी शो करता है, बहुत ही कम के, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है, इसका कंडक्टिविटी जो होता है डिक्रीज़ करना शुरू करता है, ठीक है, ये डिक्रीज़ करना शुरू करेगा, हल्का सा कम ही होता है लेकिन डिक्रीज़ ही होता है, ठीक है।
इस तरीके से प्लॉट्स होया किया था। तो इसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कब था? जब डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे एक उसकी क्या थी, कंडक्टिविटी थी, मोलर कंडक्टिविटी। ये हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे शो करेंगे इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, जो कि हाईएस्ट होगा। व्हेन डाइल्यूशन इज़ वेरी हाई, व्हेन डाइल्यूशन इज़ वेरी हाई, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी लो, कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी लो, मोलर कंडक्टिविटी इज़ हाईएस्ट, हाईएस्ट, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। डिनोट किया जाता है, जो मैंने ऊपर बनाया है मोलर कंडक्टिविटी वाला साइन, ऊपर इनफाइनाइट बना दो एक, मतलब हाईएस्ट कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है कम होता है, तो जो नया कंडक्टिविटी होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी जनरली क्या होगा, इससे कम ही होगा हमेशा किसी भी कंसंट्रेशन पे, जैसे जैसे तो इनके बीच में रिलेशन होता है। ये मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी। बी रूट सी इज़ कॉन्सेंट्रेशन, बी इज़ वॉट, बी इज ए कॉन्स्टेंट। इसको बोलते हैं क्या, डिबाई हकल कॉन्स्टेंट। क्या कहते हैं, डिबाई हकल कॉन्स्टेंट, डिबाई हकल, जिन साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था, बी इज़ अ कॉन्स्टेंट जो फिक्स होती है अलग अलग, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे उसके लिए वो दिया रहेगा, अगर आपको करना होगा क्वेश्चन वगैरह तो, ठीक है। इज कॉन्स्टेंट डिबाई, ठीक है, हकल, डिबाई हकल ऑन सैगर, ऑन सैगर कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन को बोला जाता है डिबाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन। अब मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, एकदम जीरो है, एट सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब डाइल्यूशन बहुत हाई है। देन मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब कॉन्सेंट्रेशन कुछ है नहीं, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो यही हमने यहाँ पे यही चीज़ दिखाया कि जैसे जैसे कंडक्टिविटी, फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी कब होती है, जब कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो ही नहीं, मान लीजिए जीरो है, ठीक है। तो जब कुछ कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, हाई डाइल्यूशन है, दैट इज़ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सब सेम ही चीज़ है, सेम चीज़ इन द सेंस, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन एकदम लो है, इसका मतलब क्या है, डाइल्यूशन हाई है, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, किस तरीके से वेरी करता है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। अब देखते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इसके केस में क्या होगा, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि CH3COH, पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमें देखना है इसके केस में जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। हमें तो जनरली पता है क्या, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इन जनरल। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तब क्या होता है, ठीक है। वी नो इन जनरल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज लो, कमी होता है, क्योंकि तभी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, राइट, ठीक है। CH3COH
देखो पहले तो हमको पता है कि कंडक्टिविटी कम होती है, क्यों? बिकॉज देयर आयोनाइजेशन इज़ लो, देयर आयोनाइजेशन इज़ लो, कम आयन्स में ब्रेक करते हैं। लेकिन फिर भी जब कौन से जो भी इनकी कंडक्टिविटी होती है, कम या ज़्यादा जो होती है, वो घटता है या बढ़ता है जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है? तो इनका भी कॉन्सेंट्रेशन, जो कंडक्टिविटी है, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो घटता है, लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन पे इनकी कंडक्टिविटी एकाएक तेज़ी से बढ़ती है। जैसे एग्जांपल लो ये एसिटिक एसिड का ही, ठीक है? ये इसका मोलर कंडक्टिविटी है और ये स्क्वायर रूट हमने लिया है कंडक्टेंस का, ठीक है? मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन है 20-40 मोल्स में, क्योंकि मोल्स ही हम बोल रहे हैं ना, 80, ठीक है? तो जैसे जैसे इनका कॉन्सेंट्रेशन घटता है, उल्टा ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है? जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, और एकदम लो कॉन्सेंट्रेशन पे एकाएक बहुत तेज़ी से भागता है, एकाएक बहुत तेज़ी से भागता है ऐसे, ठीक है? एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऐसा क्यों होता है इनके केस में? ये भी जनरली 160 के आसपास पहुंच जाता है। होता क्या है, हम बोल रहे हैं एज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज करता है, ठीक है? लेकिन हम देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, इधर उल्टा मैं ग्राफ बनाया हूँ, जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है एकाएक बढ़ता है, बट एट लो कॉन्सेंट्रेशन, एट लो कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज शार्पली, इंक्रीजेज शार्पली, मतलब लीनियर रिलेशन शो नहीं करता है, ठीक है? नॉन लीनियर ग्राफ है ये, नॉन लीनियर ग्राफ। यहाँ पे तो हल्का सा स्ट्रेट लाइन जैसा दिख भी रहा है, धीरे धीरे कम होता है। यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम था बहुत हाई कंडक्टिविटी थी, और बाद में एकाएक बहुत कम हो जाता है, मतलब कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे एकाएक बहुत तेज़ हो जाता है, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इनका जब कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तब आयोनाइजेशन ही कम होता है, लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन पर इनका आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है, ठीक है? दिस इज़ बिकॉज एट हाई और मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन, मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज़ लो, लो इलेक्ट्रोलाइट्स इज़ लो, ठीक है? लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन कम होता है इनका आयोनाइजेशन बढ़ जाता है, बट एट लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज हाई, ठीक है, एंड दस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब इनका जो मोलर कंडक्टिविटी होता है डायरेक्टली निकाला नहीं जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इनकी मोलर कंडक्टिविटी 0 के स्केल पे आ सकता है, ठीक है? लो यहाँ पे आप देखो ये ग्राफ को टच नहीं कर रहा है, ठीक है? मतलब कि एकदम 0 कॉन्सेंट्रेशन पे आप नहीं ला सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी वीक है, ठीक है? लो कॉन्सेंट्रेशन पे बढ़ रहा है उसका कंडक्टिविटी, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन एकदम ही 0 कर दोगे तो कुछ नहीं होगा ये कंडक्टिव। तो इनका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनका जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं इनफाइनाइट डेवल्यूशन पे, इनका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इनका जो होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डेवल्यूशन, ये कैलकुलेट करने के लिए एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, दैट इज़ कॉल्ड कोलराश लॉ, कोलराश लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वीडियो बनाएंगे हम, दैट वुड बी अबाउट
कोलराज लॉ की, किस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर कैलकुलेटेड। ओके, थैंक यू।